हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बटन की हेल्प से एक पेंटिंग। देखिए, ये 3 बटन हमने लिए हैं अलग अलग साइज के, इनसे आज हम एक पेंटिंग बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा बटन लेते हैं, उस पर ऐसे कलर लगाते हैं। पिंक कलर लगा रही हूँ और उसको ऐसे बीच में सेंटर में प्रिंट कर देते हैं। ऐसे ही इसको एक आप फ्लावर का शेप देके इसको प्रिंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पिंक कलर से हमने पूरा एक फ्लावर का शेप दे दिया है। अब ये जो इससे थोड़ा सा लार्ज वाला बटन था, अब हम इसको यूज करेंगे। इसके लिए हम दूसरे किसी कलर को सिलेक्ट करते हैं। ब्लू लगा रही हूँ मैं इसमें, ब्लू कलर से। वही सेम मेथड रहेगा, बटन पे कलर लगाना है और इसको इसके बाहर वाली रो में ऐसे प्रिंट कर देना है। एक सर्कल बनाना है वैसे ही। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ब्लू कलर से सेम उसमें सर्कल बना लिया है। अब सेम बटन से एक सेम ही बटन रहेगा, लेकिन हम कलर चेंज कर देंगे, एक सर्कल और बनाएंगे सेम साइज का। रेड लगा रही हूं मैं, सेम प्रोसेस है। देखिए, अब हमने रेड कलर से भी सर्कल को कंप्लीट कर दिया है। अब हम ये बड़ा वाला बटन लेंगे, सबसे लार्ज वाला बटन लेंगे। इसमें हम एक और डिफरेंट कलर शेड लगाएंगे। मैं इसमें ऑरेंज लगा रही हूँ और इस बटन से लास्ट वाली लाइन बनाएंगे, सर्कल कंप्लीट करेंगे लास्ट वाला, इस तरह से। देखिए, ये ऑरेंज कलर से हमने बड़े वाले बटन से लास्ट वाला सर्कल कंप्लीट कर दिया। ये तो हो गया। अब हम इसको एक फ्लावर का लुक देने के लिए कुछ यहाँ पर ग्रीन कलर से पत्तियां ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि इसका लुक अच्छा रहे, इस तरह से पत्तियां बना देते हैं। इसी तरह से ऊपर भी हम यहाँ पर पत्ती बना देंगे। इसमें कलर कर देते हैं। हम लाइट और डार्क का शेड दे रहे हैं। वैसे इसको आप चाहें तो स्केच पेन या क्रेयॉन से भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पत्तियां बनाने के बाद इसका लुक इस तरीके से आएगा। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत सिंपल है बनाने में। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा जरूर। अगर पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। देखिए, ये हमारी बटन पेंटिंग कंप्लीट हो गई। थैंक यू।